देर कर दिया आपने आने में। सॉरी बेटे, मैं जरा बिजी था। शुक्र है तुम्हारे पापा आ तो गए। बेटे ये क्या है तुम्हारे हाथ में? पापा ये प्रेजेंट ना मुझे उन वाले अंकल ने दिया है, वो बहुत अच्छे अंकल हैं पापा। लीजा, इन लोगों को कैसे पता चला कि तुम मेरी बीवी हो? वो लोग पैमेला से बात कर रहे थे तब पता चला, लेकिन यहाँ के लोग काफी अच्छे हैं। पैमेला ये प्रेजेंट नहीं है बेटे, ये रिश्वत है। ये लोग तुम्हारे पापा को रिश्वत देना चाहते हैं, ये अच्छे लोग नहीं है बेटे। गॉड जीसस, तुम यहाँ भी शुरू हो गए। तुम्हारी नजर में किसी का प्यार भी रिश्वत होता है? तुम खुद तो किसी के लिए कुछ लेकर नहीं आते, और अगर हमारे लिए कोई कुछ लेकर आया तो वो तुम्हारी नजर में रिश्वत हो गई। लीजा कम से कम अपनी बेटी को गलत शिक्षा तो मत दो, और जब मैं कोई अच्छी बात उसको बता रहा हूँ तो बीच में टोको मत। ओह गॉड, सूट योरसेल्फ। मुझे नहीं चाहिए आपका प्रेजेंट। क्यों पापा? आदाब। कैसे हो? अमीना ने कहा कि तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है। मुझे बहुत डर लगा जावे। डर? किस बात का डर? ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो, कौन मारेगा तुम्हें? हाँ जावेद, मैं जानता हूँ ये लोग मुझे मार डालेंगे, और इसीलिए शायद ये रात को मेरा सेल भी खुला छोड़ देते हैं। देखो हैदर, तुम पुलिस कस्टडी में हो, और सबसे बड़ी बात यह कि तुम अंडर ट्रायल हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत जल्दी बाहर आ जाओगे। जावेद, दूसरे सेल के सारे कैदी भाई जी के आदमी हैं। हैदर, वो कौन सी बात है जिसे बताने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया है? लगता है यहाँ खाने के लिए हवा भी नहीं मिलेगी। भूख के मारे मेरी तो जान निकल रही है। पामेला ने भी कुछ खाया नहीं है। हमें बाहर किसी रेस्टोरेंट में ले चलो, पहले वहां खाना खाएंगे, और हाँ बाद में कहीं घूमने भी जाएंगे। हेलो। हेलो सर, मैं सब इंस्पेक्टर जावेद बोल रहा हूँ। सर मैं आज हैदर से मिलने सेंट्रल जेल गया था, उसने मुझे कुछ बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की हैं। हाँ इसी सिलसिले में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आज इसी वक्त। नहीं सर, मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकता। ओके सर, मीरा मार। ठीक है, मैं भी आता हूँ। लीजा मैं भी आया। फिलिप हमें भूख लगी है, पहले हमें खाना खिलाओ फिर कहीं भी चले जा रहा। बहुत देर हो जाएगी। फिर गॉड सेव मी। मोहन, ये जो नया एसपी आया है ना, क्या नाम है उसका? फिलिप फर्नांडिस। साला बहुत तंग करता है। अरे यार अपना सारा माल रुका के रखा है, माल लेने ले रहे यार। ए, इस शहर में ऐसा कौन है जो हमारा माल रोक सके? भाई जी के बेटे हैं हम, भाई जी के। कौन भाई? मैं रवि, सब इंस्पेक्टर जावेद जेल में हैदर से मिल के आया। हाँ कुछ कर लगती है। खत्म कर दो साले को। रवि,
भाई किधर है? कैसा है? मैं ठीक हूँ यार, भाई किधर है? यहीं पर आ जाएंगे। बोल, बहुत जरूरी काम है यार। क्या काम है यार? वो जावेद हैदर से मिलकर आ रहा है जेल से। हैदर से? हाँ, एसपी के पास जा रहा है। मेरा मार बीच में बुलाया एसपी ने। तूने ठीक से सुना? मेरे कान कभी धोखा नहीं खाते पवन। तूने मोहन भाई को तो नहीं बताया? ना, मेरी बात हुई है उनसे। उन्होंने कहा खत्म कर दो। रवि, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मोहन भाई से मत करा करो। कितना खतरनाक है इस वक्त, तुम्हें पता है क्या क्या सिचुएशन क्या है? उसे खत्म करना बहुत जरूरी है इस वक्त। सुन, मैं जल्दी पर निकलता हूँ। सुन, देख, अब मैं भाई जी के बेटे की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, एक दोस्त की हैसियत से बात कर रहा हूँ। जो भी करना तो समझ के करना, क्योंकि जो नया एसपी आया बहुत सख्त है। मोहन भाई ने बोला खत्म खत्म। टेक केयर है। ओके। मैं जावेद का दोस्त हूँ, मुझे आमिना से मिलना है। आइए। अमीना बेटी, अमीना, मैं जावेद का दोस्त हूँ, फिलिप फर्नांडिस। जावेद अक्सर आपके बारे में बात किया करते थे। हैदर तुम्हारा ही भाई है ना? हाँ, मैं हैदर का बाप हूँ। उसने जो गुनाह किया उसकी सजा उसे मिल रही है। मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हैदर ने जावेद को कौन सी बात बताई थी? क्योंकि जावेद मुझे वो बात बताना चाह रहा था। मुझे नहीं मालूम। देखो अमीना, ऐसे अंधेरे में किसी को मैं निशाना नहीं बना सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ जानते हुए भी कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं मुझे। मुझसे हैदर भाई ने हमारे निकाह की बात की थी, शायद जावेद से भी उन्होंने यही कहा हो। क्यों आप लोग मेरी बेटी को क्या हुआ?
देखिए हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, आप हमें और परेशान मत कीजिए, हमें कुछ नहीं मालूम, आप जी लेने दीजिए हमें, आप लोग चले जाइए यहाँ से प्लीज। वेटर, दो कोल्ड ड्रिंक्स। सक्सेना सर, आपकी नौकरी को कितने साल हुए? सर यही करीब 25 साल। 25 साल जी, तो बहुत कुछ देखा होगा आपने इन 25 सालों में। यस सर। भाई जी को कैसे जानते हैं? ये भाई जी कौन है? सर भाई जी, सर भाई जी बहुत बड़े आदमी हैं सर। आपसे उनकी जान पहचान कैसे हुई? सर अब भाई जी को कौन नहीं जानता है। घर में कौन कौन लोग हैं? सर मेरी वाइफ है, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है, और वाइफ भी लकवे की मरीज है सर, और बेटियां भी सियानी हो चुकी हैं, शादी के लायक हैं। जावेद की मौत के पीछे किसका हाथ है? इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं सर। बेटा क्या करता है? ग्रेजुएशन किया सर उसने, अब किसी तरह से उसकी नौकरी लग जाए, बस इसी कोशिश में हूं। क्यों, आगे नहीं पढ़ाएंगे? नहीं सर, 3-3 बेटियों की शादी करनी है मुझे सर। डिसोजा के मर्डर से पहले शाम को थाने में किसी का फोन आया था? फोन सर, फोन तो किसी का नहीं आया था सर। आया था सक्सेना, आया था। कोल्ड रिंग कीजिए और याद कीजिए किसका फोन आया था। उस रात एसपी डिसोजा अपनी ऑफिस से बाहर कितने बजे गए थे? यही करीब 8 बजे। उनके जाने के बाद ऑफिस में किसी औरत का फोन आया था? मेरी वाइफ का फोन आया था सर। आपके घर में फोन है? सर वो सामने की दुकान पे है ना। लेकिन अभी तो आपने बताया कि आपकी वाइफ लकवे की मरीज है। कोल्ड ड्रिंक कीजिए। मम्मी देखो ना मेरी पेंटिंग। मम्मी उधर थोड़ा रेड करो ना। प्लीज पामेला, डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। पापा आ गए। पापा देखो ना मम्मी ने कितनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। फिलिप कैसी लगी मेरी पेंटिंग? बिल्कुल पिकासो स्टाइल में बनी है ना? अच्छी है ना पापा? हाँ बहुत अच्छी है। ये क्या पापा, आपने पेंटिंग तो देखी नहीं और कह रहे अच्छी है? ये क्यों देखने लगेंगे मेरी पेंटिंग? सॉरी। यू जस्ट से आई एम सॉरी। डैम इट। ये क्या पापा, आप जब भी आते हैं मम्मी को दुखी कर देते हैं। हाँ, तुम्हें तुम्हें मेरे लिए वक्त नहीं मिलता, तुम्हें तुम्हारी बेटी के लिए वक्त नहीं मिलता, किसी के लिए वक्त नहीं मिलता, नहीं मिलता ना वक्त, तुम्हें तुम्हें वक्त नहीं मिलता। नहीं चाहिए मुझे ये पेंटिंग,
नहीं चाहिए मुझे ये पेंटिंग, निकालो ये सब पेंटिंग, निकाल दो। I hate you, I hate you, I hate you, damn it! मोहन, भाई जी नहीं आए? डैड किसी क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग में है। मोहन, बाय द वे, हाउस शर्ली? मिस सिटी, डोंट टॉक पर्सनल। ऐसी बात नहीं है मोहन, हम सबको तुम्हारी बहुत फिक्र है। जानता है मैं कितनी फिक्र है आप लोगों को मेरी। मोहन, दिमाग ठंडा रखकर सोचो कि इस वक्त कौन सा काम जरूरी है। मैं जानता हूं शर्ली तुम्हें बहुत चाहती है, और मैं ये भी जानता हूं कि शर्ली को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। सेठी साहब ठीक कह रहे हैं, अगर हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। खैर, फिलहाल आज हम जिस विषय पर इकट्ठे हुए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहिए क्या बात है। सेठी, तुम मोहन को सारी बात बताओ। एक मिनट रवि, तुम डैड को फोन लगाओ और पता लगाओ कितनी देर में इधर आता है। अच्छा भाई। मोहन, ये हैदर जरूरत से ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। पहले उसने हमारी सब बातें जावेद को बताई और अब क्या हुआ? कुछ हुआ? खामखा बेचारा जावेद मारा गया। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हुई ना? प्रॉब्लम तो फिर वहीं की वहीं खड़ी है। कैसे? अब फिलिप फर्नांडिस उसके पीछे जाएगा, उससे मालूम करने की कोशिश करेगा। मैंने मोहन पहले भाई जी से कहा था कि ये शख्स भरोसेमंद नहीं है, तब उन्हें मेरी बात बहुत बुरी लगी थी, और आज वही आदमी जेल में बैठकर हमारी जड़ें काट रहा है। क्या रे बात हुई? भाई जी पार्टी को लेकर साइट पर गए हुए हैं, आने में देर लगेगी। भाई जी की बात छोड़ो, उन्हें अपना काम करने दो और मेरी बात जरा गौर से सुनो। ये हैदर को हमें अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। हाँ, सेठी साहब, हैदर इस वक्त जेल में है। लेकिन उसे अंदर एक ही आदमी मार सकता है। मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो। तुम्हारा इशारा गोल्डी की तरफ है ना? यस। लेकिन गोल्डी को समझाना हमारे और आपके बस की बात नहीं, क्योंकि वो हमारी किसी की भी बात नहीं मानेगा। हम उसे ये कह देंगे कि भाई जी ने ही कहा है, as simple as that। फिर तो वो जरूर करेगा। तेरे से पूछा क्या? नहीं, मेरा मतलब है मैं जानता हूँ ना गोल्डी को। तू मेरे से ज्यादा गोल्डी को जानता है? लो, गोल्डी की बात की और गोल्डी हाजिर हो। बॉन्जेट सलाम। भाई जी कहाँ हैं? क्या रे, बड़ी जल्दी में है तू? हाँ मोनसेट, जल्दी में हूँ। सुबह तक माल नहीं पहुँचा तो हमारी नाक कट जाएगी। वैसे भाई जी कहाँ हैं? सेठी,
तुम गोल्डी से बात करो। गोल्डी, हम दरअसल तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। किसी का एक्स वाई जेड करना है क्या? हैदर याद है तुम्हें? हाँ, पर वो तो अंदर है। अंदर है लेकिन उसकी हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर वो ऐसी हरकतें करता रहा तो हम सब एक दिन सड़क पर आ जाएंगे। मालूम उसे खत्म कर दो। सेठी साहब, भाई जी के लिए मैं जान भी दे सकता हूं, पर मुझे दूसरों पर यकीन नहीं है। क्या समझते हो कि हमारे पास ऐसे काम करने के लिए कोई भी आदमी नहीं है? लेकिन भाई जी ने ये कहा था कि गोल्डी इस काम को अच्छे तरीके से सरंजाम दे सकता है। भाई जी ने कहा? यकीन जानते हो? काम हो जाएगा। गोल्डी, इसके लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। सेठ साहब, मुझे मालूम है। गुड गुड।